आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि साल 2023 में हरतालिका तीज का व्रत कब है, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि महत्व और इस दिन किए जाने वाले खास उपायों के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल भोलेनाथ कृपा में। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज व्रत मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व है। सुहागिन महिलाएं हरतालिका तीज के दिन निर्जल और निराहार व्रत रखकर पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भी भगवान शिव को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए हरतालिका तीज का व्रत किया था। आइए जानते हैं साल 2023 में हरतालिका तीज कब रखा जाएगा, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि महत्व और इस दिन किए जाने वाले उपाय क्या हैं। हरतालिका तीज शुभ मुहूर्त 2023। साल 2023 में हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर दिन सोमवार को रखा जाएगा। तृतीया तिथि शुरू होगी 17 सितंबर प्रातः काल 11:08 पर। तृतीया तिथि समाप्त होगी 18 सितंबर को रात्रि 12:09 पर। प्रातः काल पूजा मुहूर्त जो रहेगा वह रहेगा 6:07 से 8:34 तक। प्रदोष काल में पूजा मुहूर्त रहेगा 6:23 से रात्रि 8:44 तक। पारण का शुभ मुहूर्त होगा 19 सितंबर को सूर्योदय के बाद। हरतालिका तीज व्रत पूजा विधि। हरतालिका तीज का व्रत सुहागन महिलाएं और कुमारी कन्याओं द्वारा रखा जाता है। इस व्रत में प्रातः काल और प्रदोष काल दोनों समय में पूजा का विधान है। इस दिन प्रातः स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर पूजा के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की रेत व काली मिट्टी से प्रतिमा बनानी चाहिए। अब इन्हें एक चौकी पर स्थापित कर इनका श्रृंगार करें। प्रतिमाओं को उनकी प्रिय पूजन सामग्री अर्पित करें। माता पार्वती को सुहाग का सामान और लाल सिंदूर अर्पित करें। इसके बाद मीठे का भोग लगाएं। अंत में व्रत कथा पढ़कर आरती करें। अगले दिन व्रत का पारण करें और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर व्रत पूरा करें। हरतालिका तीज का महत्व। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत विशेष महत्व रखता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। तो वहीं कुमारी कन्याएं भी मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए तीज का यह व्रत रखती हैं। मान्यता है कि इस दिन निर्जल उपवास कर विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा से मनचाहा वर प्राप्त होता है। हरतालिका तीज पे कुछ विशेष उपाय करना चाहिए। इस शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज के दिन माता पार्वती को हल्दी की 11 गांठ चढ़ाने से विवाह के योग मजबूत होते हैं। तीज के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर बेलपत्र चढ़ाएं और कम से कम 11 या 21 बार परिक्रमा कर इन शिवलिंग को बेल के पेड़ के नीचे रख दें। इसके बाद देवी कात्यायनी के विवाह मंत्र का जाप करें। इससे विवाह योग मजबूत बनते हैं। अखंड सौभाग्य के प्राप्ति के लिए आज के दिन माता पार्वती को सुहाग की सामग्री विशेषकर लाल सिंदूर अर्पित करना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत के में व्रती को और महिलाओं को भोलेनाथ और माता पार्वती के पूजा के बाद तीज व्रत की कथा पढ़नी चाहिए। हरतालिका तीज व्रत बेहद प्रभावशाली है, लेकिन इस व्रत के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। अगर आप भी पहली बार हरतालिका तीज व्रत रख रही हैं, तो ये खास नियम पूजन विधि आपको जान लेना चाहिए।
व्रत कैसे शुरू करें? सबसे पहला सवाल यही रहता है। पहली बार हरतालिका तीज व्रत रखने वाली हैं तो अपनी मान्यता अनुसार ही व्रत का संकल्प लें। कहते हैं पहली बार जैसा व्रत का संकल्प लिया जाता है आजीवन उसे वैसे ही निभाना पड़ता है। ध्यान रहे निर्जला या फलाहार व्रत का संकल्प लें तो उसे पूरा जरूर करें। अगर आप निर्जला करते हैं तो आप उस दिन पानी भी नहीं पी सकते। अगर आप कोई काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो आप फलाहार करके भी हरतालिका तीज का व्रत कर सकते हैं। व्रत की अवधि का ध्यान रखना चाहिए। हरतालिका तीज पर व्रत 24 घंटे के लिए रखा जाता है। इस व्रत की शुरुआत भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के सूर्योदय से होती है और अगले दिन चतुर्थी के सूर्योदय पर समाप्त होती है। तीसरा जो सवाल रहता है वो रहता है कि हरतालिका तीज में पानी पी सकते हैं या नहीं। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज व्रत में अन्य जल का त्याग करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत में भोजन करने वाली व्रती को अगले जन्म वानर और पानी पीने से अगले जन्म में मछली की योनि प्राप्त होती है। अगर आप निर्जला व्रत रखने में सक्षम ना हो तो फलाहार व्रत कर सकती हैं। किस समय आपको पूजा नहीं करना चाहिए? अगर हरतालिका तीज के दौरान महिलाओं को मासिक धर्म हो जाए तो उन महिलाओं को दूर से ही भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान को छूना नहीं चाहिए। व्रत बताए गए समय अनुसार ही खोलना चाहिए। अगर आपको कुछ कठिनाई आ रही है तो हम बीच में व्रत नहीं छोड़ा जाता है। हरतालिका तीज का व्रत हमें हमेशा करना होता है। एक बार हरतालिका तीज का व्रत शुरू कर दिया तो इसे बीच में छोड़ा नहीं जा सकता। व्रती के जीवन काल तक इसका पालन करना पड़ता है। अगर किसी कारणवश ये व्रत ना कर पाए तो इसका उद्यापन कर दें और परिवार की दूसरी महिलाओं को ये व्रत सौंप दें ताकि क्रम बना रहे। रात्रि जागरण इस दिन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज व्रत में व्रताधारी को दोपहर या रात्रि सोना वर्जित है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन जो महिलाएं सो जाती हैं वो अगले जन्म में अजगर के रूप में पैदा होती हैं। इस व्रत रात्रि के चारों प्रहर में शिव पार्वती की पूजा करने से व्रत का शीघ्र फल मिलता है। इस दिन महिलाओं को 16 सिंगार जरूर करना चाहिए क्योंकि यह सुहाग का पर्व है। इस दिन सुहागिनों को 16 श्रृंगार कर शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। मेहंदी जरूर लगाना चाहिए, इससे शंकर जी जल्द प्रसन्न होकर समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हरतालिका तीज में मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए, फिर उनके विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। फुलेरा बांधा जाता है, इसके साथ ही कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। चारों प्रहर में आखिरी पूजा के बाद माता पार्वती को चढ़ाया सिंदूर अपने माथे पर लगाना चाहिए और सुहाग की सामग्री ब्राह्मणी को ध्यान करना चाहिए। फिर अगले दिन आपको व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत का पारण चतुर्थी तिथि यानी गणपति उत्सव के पहले दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। व्रत खोलने से पहले स्नान कर विधिवत शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद पूजन सामग्री सहित मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन करना चाहिए। फिर प्रसाद खाकर ही व्रत को खोलना चाहिए और पहले आपको लिक्विड चीज पी लेना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए। इस दिन काले या सफेद रंग के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत का पूर्ण फल पाने के लिए क्रोध, लालच, अहंकार पर काबू रखना चाहिए। विवादों की बातों को ज्यादा तूल ना देना चाहिए। दूसरों की बातों को अनदेखा करना चाहिए। पति या घर में बुजुर्गों से बेवजह बहस नहीं करना चाहिए। किसी से भी बुरा व्यवहार ना करें। हरतालिका तीज के दिन परिवार के लिए भी सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों के साथ शेयर करें। ओम नमः शिवाय।